जय श्री राधा कृष्ण। आज इस वीडियो में आपको महाफलकारी, जल्दी मन की इच्छा पूरी करने वाली आमल की एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं, जो फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसकी व्रत कथा बताती हूँ। याद रखना, आंवला एकादशी व्रत रखने वाले जातकों को मोक्ष की प्राप्ति होती ही होती है। आंवला एकादशी पर आमल की एकादशी व्रत कथा को सुनने मात्र से श्री लक्ष्मी नारायण जी मन चाहा वरदान देते हैं, साथ ही शिव जी और माँ पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है। वाराणसी में रंग भरी एकादशी से ही रंगोत्सव शुरू हो जाता है, जो लगातार 6 दिनों तक चलता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव माता पार्वती का गौना कराकर पहली बार काशी लाए थे। ऐसे में भोलेनाथ के भक्तों ने माता पार्वती का स्वागत रंग और गुलाल और उन पर रंग बिरंगे फूलों की वर्षा करके किया था। शिव भक्त काशी विश्वनाथ और माता पार्वती के साथ इस दिन रंग, गुलाल और फूलों से होली खेलते हैं। यही कारण है इसे रंग भरी एकादशी कहा जाता है। अब आज इस वीडियो में आपको 2 पौराणिक व्रत कथा बताती हूँ। इस कथा के सुनने मात्र से 1000 गौदान करने का फल मिलता है। पूजा करने के बाद इस कथा को जरूर सुने और उसके बाद एकादशी माता की आरती जरूर करें। आप अपने हाथ में फूल, दक्षिणा और थोड़े से तिल ले और प्रेम भाव और मन से इस कथा को सुने। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उनके दिमाग में कई बातें चल रही थी, जैसे वो कौन है, उनके जीवन का क्या उद्देश्य है, उनका जन्म कैसे हुआ। ये सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की। काफी वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को दर्शन देने के लिए उनके सामने आए। भगवान विष्णु के दर्शन पाकर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा बहुत भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी का आंसू जहां गिरा, वहां आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ। ये देखकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि ये आंवले का पेड़ आपके आंसुओं से प्रकट हुआ है, इसलिए ये पेड़ मुझे बहुत ज्यादा प्रिय होगा। ये एक दिव्य वृक्ष है, इसमें समस्त देवता निवास करेंगे। और साथ ही भगवान विष्णु ने कहा, आज यानी फागुन शुक्ल एकादशी को जो व्यक्ति आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर विधि विधान से मेरी पूजा करेगा, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न होऊंगा, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होना निश्चित हो जाएगा, उसके जीवन में किए गए समस्त पाप मिट जाएंगे। आमल की एकादशी का व्रत व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण कर देने वाला बनेगा। पद्म और विष्णु धर्मोत्तर पुराण का कहना है कि आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस पेड़ में भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी का निवास होता है। मान्यता है कि इस दिन आंवले का दान करने से समस्त यज्ञों और 1000 गवों के दान करने जितना फल मिलता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आंवले के हर हिस्से में भगवान का वास माना जाता है। इसके मूल यानी जड़ में श्री विष्णु जी, तने में शिव जी और ऊपर के हिस्से में ब्रह्मा जी का वास माना गया है। साथ ही इसके टहनियों में मुनि, देवता, पत्तों में वसु, फूल में मरुदगण और इसके फलों में सभी प्रजापतियों का निवास माना जाता है। कई जगहों पर भगवान विष्णु के थूक से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति की कथा मिलती है, जो सही नहीं है। अगर आंवला भगवान का थूक है तो वो भगवान को इतना प्रिय कैसे हो सकता है, स्वयं विचार करो। अब आपको आमल की एकादशी की दूसरी पौराणिक कथा बताती हूँ। एक समय 88,000 ऋषियों की सभा को संबोधित करते हुए सूत जी महाराज ने कहा, हे विप्रो, प्राचीन काल की बात है, महान राजा मद्धांता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो ऐसे व्रत का विधान बताने की कृपा करें जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का व्रत है। राजा मद्धांता ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, इस आमल की एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई, इस व्रत के करने का क्या विधान है, हे वेदों के ज्ञाता, कृपया कर ये सब वृतांत मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा,
हे राजन, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वृतांत कहता हूँ, सुनो। ये व्रत फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल के सभी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर है। आमल की यानी आंवले की महत्ता उसके गुणों के अतिरिक्त इस बात से भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगर में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। वो उच्च कोटि के विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। उनके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था और ना ही कंजूस था। उस राज्य के सभी लोग विष्णु भक्त थे। वहां के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक बार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल नामक एकादशी आई। उस दिन राजा और प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से बालक तक, सब ने आनंद पूर्वक उस एकादशी को उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित करके धूप दीप नवेद्य पंच रतन छत्र आदि से धात्री यानी आंवले के वृक्ष का पूजन करने लगा। वो सब धात्री यानी आंवले की इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा है। आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सभी पापों को नष्ट करने वाली हो। आपको नमस्कार है। आप मेरा अर्ध स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप मेरे सभी पापों का हरण करो। इस तरह प्रार्थना करते हुए उस मंदिर में उस रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वो महापापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वो जीव हिंसा करके करता था। वो भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। वो जंगल में शिकार के लिए गया था, पर रास्ता भटक गया और पिछले दिन से उसी जंगल में भूखा प्यासा भटक रहा था। एकादशी की शाम को वो भोजन पाने की इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह बैठकर वो भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महत्तम सुनने लगा। उसे लगा कथा के बाद भोजन मिलेगा, पर कथा के बाद भजन कीर्तन शुरू हुआ और वो बहेलिया वहीं बैठा रहा और उसने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण करके व्यतीत की। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने घर चले गए। इस प्रकार वो बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेले की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी। इस कारण हालांकि वो घोर नरक का भागी था, पर उस दिन अनजाने में ही आमल की एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहां जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वो चतुरंगनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का संचालन करने लगा। वो तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वो अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वो प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्म था। एक बार राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। दैवयोग से वो वन में रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान ना होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उस समय वहां पर पहाड़ी डाकू आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। वो डाकू कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा हमें देश से निकाल दिया। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कहकर वो डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर लगते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान लगते। कुछ देर के बाद प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वो सभी मूर्छित हो गए।
उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वो देवी अत्यंत सुंदर थी, सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उनकी आंखों से क्रोध की भीष्ण लपटें निकल रही थी। उस समय वो काल के समान लग रही थी। उन्होंने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का समूल नष्ट कर दिया। नींद से जागने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत देखा तो वो सोचने लगा, इन्हें किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितेशी है? राजा वसुरथ ऐसा विचार ही कर रहे थे कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया, फिर अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। इस घटना के बाद से राजा ने अपने राज्य से बाहर भी आमला एकादशी व्रत का प्रचार कराया। महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, ये सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमल की एकादशी का व्रत करता है वो प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में बैकुंठ धाम को पाता है। एकादशी व्रत कथा समाप्त। हे श्री हरि विष्णु, इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके मन की इच्छाएं पूरी करना, सुख सौभाग्य और समृद्धि देना। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो अपने शत्रुओं के भय से मुक्ति भी पाता है, धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इसलिए हर कोई प्रेम से मन से भाव से इस कथा को सुने और कहते रहे, ओम नमो नारायणाय नमः।